गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेक्चर नंबर 21 वीडियो ऑफ योर सब्जेक्ट SST एंड दिस इज फॉर क्लास 5. इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो वी ऑल हैड स्टार्ट द चैप्टर 4. द चैप्टर 4 इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी की संरक्षण हम कैसे करते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज. मिट्टी की संरक्षण हम बहुत सारी क्रियाओं से कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय मेकिंग टेरेसेस, बाय मेकिंग डैम्स एंड एम्बार्कमेंट्स टू अवॉइड ओवरग्रेजिंग. बहुत सारे पेड़ पौधों को लगा के, छतों को बना के, बांध बना के, जो खाली खाली छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको फिल करके, और बहुत ओवर ग्रेजिंग यानी कि पशु को लिमिटेड मात्रा में ही चराएं, उससे ज़्यादा नहीं चराएं. सेकंड क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं? तो प्लांट्स मेक फूड फॉर एनिमल्स, दे ऑल्सो गिव ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. पौधे जो होते हैं वो सारे पशुओं के लिए खाना बनाते हैं और वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग अवे फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन, फ्लड एक्सेट्रा. फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड नॉट टू हार्म देम इन एनी वे. वी शुड टेक प्लेस टू प्लांट एटलीस्ट वन ट्री एंड टेक इट्स केयर. जो पेड़ों को काटा जाता है और जंगलों को साफ किया जाता है उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी ढह जाता है, बाढ़ आता है, और हमें जंगलों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारे पौधे लगाने की ज़रूरत है, और उन सारे पेड़ पौधों को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है. हमें एक वचन लेना है कि हम एटलीस्ट एक तो प्लांट रोपें और उनका ख्याल रखें. कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम की संरक्षण कैसे करते हैं? तो कोल इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज फॉर द कुकिंग, रनिंग स्टीम इंजन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. व्हीकल्स रन ऑन द फॉसिल फ्यूल, वी मस्ट टू यूज देम विद ऑलमोस्ट केयर ऑफ, फॉर वंस दे आर फिनिश्ड दे कांट बी रिप्लेस्ड. कोल हमारे बहुत सारे कामों में आता है, जैसे कि खाना बनाना, स्टीम इंजन चलाना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना. और जो व्हीकल्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन पे चलते हैं. हमें उन्हें बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए. अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो वो दोबारा हमारे भरपाई नहीं हो सकते हैं. वी कैन कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम इन मेनी वेज. हम कोल और पेट्रोलियम को बहुत सारे तरीकों में यूज कर सकते हैं. वाइल गोइंग टू स्मॉल डिस्टेंस वी शुड यूज बाइसिकल और ट्रेवल ऑन फुट इंस्टेड ऑफ कार. वी शुड यूज सोलर कुकर एट होम ऑन ब्रॉड सनी डेज फॉर प्रिपेयरिंग फूड. नेवर वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी. स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम. द इलेक्ट्रिसिटी दस सेव्ड कुड बी यूज्ड एल्सवेयर. यूज कारपोल सिस्टम इन योर इक्वालिटी वेल गोइंग टू स्कूल वर्क और एल्सवेयर. ऑल दिस मेजर विल हेल्प अस टू सेव कोल एंड पेट्रोलियम. जब भी हम छोटे छोटे जगहों पर जाते हैं तो हमें बाइसाइकिल और या फिर पैदल जाना चाहिए. कार की जगह पर हमें सोलर कुकर का यूज करना चाहिए. जब भी बहुत सारा धूप निकला हो, बहुत सनी दिन हो, उस दिन हमें सोलर कुकर में ही खाना बनाना चाहिए. हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बर्बाद नहीं करना चाहिए. रूम से बाहर निकलते वक्त हमें लाइटर फैन ऑफ कर देना चाहिए. अगर उस टाइम हम बिजली बचाएंगे तो उस बिजली का यूज हम कहीं और कर सकते हैं. हमें अपने इर्द गिर्द कारपोल सिस्टम का यूज करना चाहिए जब भी हम स्कूल कॉलेज या कहीं जाए. क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, PCRA जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, प्रमोट रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एफर्ट्स एम्ड एट पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. PCRA जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारा एफर्ट डालती है कि कैसे उनसे हम बचा सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिज की का संरक्षण. द अर्थ हैज ओनली लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वेरियस मिनरल्स. अनफॉर्चुनेटली मैन हैज बीन रादर वेस्टफुल इन यूज ऑफ मिनरल्स. मोस्ट ऑफ आवर मिनरल्स आर नाउ लेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड अदर्स ऑल्सो मे रन आउट इन फ्यूचर. नेचर फ्यूचर पृथ्वी के पास बहुत ही कम मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, और बदकिस्मती की बात है कि मनुष्य इसको भी बर्बाद करने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा है. बहुत सारे मनुष्य ने उसे बर्बाद कर दिया है. बहुत सारे खनिज तो बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं, और वो भी अगर भविष्य में हो सके तो वो भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे. द शॉर्टेज कैन बी ओवरकम बाई आदर रिपेयरिंग द आर्टिकल्स मेड ऑफ मिनरल्स एंड नॉट थ्रोइंग देम अवे एंड ऑल्सो बाई रिसाइकलिंग द मटेरियल. अगर मिनरल के हमें इसको कम करना है, जो कमी हुआ है मिनरल में उसे में अगर हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें आर्टिकल जो होता है उसे बार बार बनाना पड़ेगा जो कि मटेरियल से बने होते हैं, और उन्हें हमें फेंकना नहीं पड़ेगा जबकि उनका हमको दोबारा रिसाइकल करना चाहिए. दस द फॉलोइंग द स्टेप्स एज मेंशन्ड अबव वी विल एबल टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू सम एक्सटेंट. देयरफॉर वी विल बी एबल टू यूज देम इन फ्यूचर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. द फ्यूचर क्वेश्चन विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाई सच कंजर्वेशन. इसलिए जितने कि ऊपर में पढ़ाया गया है हमें कैसे नेचुरल प्राकृतिक संस्थान को अपने संरक्षण किया जाता है, तो हम उससे बता सकते हैं अपने भविष्य के लिए या फिर बहुत सारे यूज के लिए, और फ्यूचर में भी इसका बहुत सारा क्वेश्चन होगा. ठीक है.
तो आज का आपका ये क्विक रिकैप है, तो आप इसे याद कर लोगे और प्रैक्टिस टाइम में आपको सब होमवर्क में बनाना है।